हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ उपखंड में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन में सक्रिय हुआ प्रशासन। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया बाजार का जायजा। पाली जिले के मारवाड़ उपखंड में राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर अंशदीप के आदेश अनुसार त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय की सभी मिठाई एवं खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की गई, साथ ही मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई और सख्त निर्देश दिए गए। इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, थाना अधिकारी मारवाड़ जंक्शन सहित सभी आला अधिकारी इस अभियान में मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर के निर्देश से हर उपखंड मुख्यालय हर क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कमियां पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही। आज इसके तहत मारवाड़ जंक्शन के अनेक गांव एवं उपखंड मुख्यालय पर व्यापारिक प्रतिष्ठान के मिठाई एवं खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुष्पा कंवर सिसोदिया, उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन, उन्होंने ये कहा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशा निर्देशानुसार जो कार्यक्रम फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत हमने आज कई मिठाइयों की दुकानों की जांच करी और जो भी सामान खुले में बिकता हुआ पाया गया और साफ़ सफाई को लेकर तो निर्देश दिए ही हैं। साथ में विशेष तौर से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इसके अलावा जो सही नाप तोल का इस्तेमाल किया जाना, इससे संबंधित समस्त जानकारियां और निर्देश हमने आज दुकानदारों को दिए और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और लोगों को फेस्टिव सीजन में सही चीज़ सही दाम पर और सही मात्रा में मात्रानुसार मिले, ये हमारी कोशिश है। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।